भी नाम खाक नसीब रख के भूल जाए, मेरा भी नाम खाक नसीब रख के भूल जाए, दुनिया मुझे भी जेल जमीन रख के भूल जाए। ये है संपत सरन जी, वो भूल भूल जाता है हर बात आजकल, वो भूल भूल जाता है हर बात आजकल, ऐसा डॉक्टर भूल जाए। जोरदार ताने संपत सरन जी के लिए। समय कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि संपत सरन को कम पड़ जाए। मैं संपत जी से गुजारिश करता हूँ कि जहां से हम छूटे थे बिछड़े थे वही से हमको संपत चाहना है। तालियां नहीं बजाई आपने, स्वास्थ्य कमजोर हो उसको जल्दी सुन लेना चाहिए। बस मैं तो खाली एक औपचारिकता में 5 मिनट बोलना है ताकि आप उनको सुनेंगे। ये अच्छी बात है कि आप आवाज दे दे करके बुलाते हैं, वरना आजकल कभी वो शायद सुने नहीं जाते। मैं तो पिछले दिनों बैंकॉक जा रहा था, फ्लाइट में पास वाली सीट पे सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया कि क्या करते हो, मैंने कहा कवि हूँ, और मैंने पलट के पूछा आप, बोले जी बहरा हूँ। बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ
कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत की क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की, और क्या बातचीत की इस पर आपकी तालियां उठेंगी। तुरंत अमेरिका से बातचीत की, साहब भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी, तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा, फिर आपकी तालियां बजेंगी। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा, भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहे। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएंगे। भारत ने कहा बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं, पहले हमें बातचीत से बातचीत का माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की, बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। अब आपकी तालियां उठेंगी, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका, तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर सुपरा उसने कोई बातचीत नहीं। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत करके कहता रहा कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। और मैं इस लेख का समापन करता हूँ, विदा लेता हूँ। आपने मुझे बड़े मन से सुना, मैं आभारी हूँ आपका। इतनी जल्दी बैठ नहीं रहा हूँ, बैठने की कहो तो ज्यादा तालियां बजती। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे, चाहो तो दोबारा बातचीत करो।